तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो यार मैं फिर से वापस आ चुका हूँ इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो पहला अपडेट है ट्रिगर्ड इंसान और थारा भाई जोगिंदर के बारे में। तो यार जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि थारा भाई जोगिंदर अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आके बोल रहे थे कि यूट्यूबर्स उनके वीडियो पे स्ट्राइक दे रहे हैं, जबकि वो यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक था। तो थारा भाई जोगिंदर ट्रिगर्ड इंसान को डीएम करके बोले कि आप मेरे वीडियो पे स्ट्राइक क्यों मारे। तो उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ट्रिगर्ड इंसान अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी पोस्ट किए, वो क्या बोले मैं आप सबको दिखा देता हूँ। अबे ये यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर बावला है क्या? कह रहे मैंने इसके स्ट्राइक मार दी। साफ साफ जो इसने स्क्रीनशॉट दिखाया उस पे लिखा है गाइडलाइन स्ट्राइक। गाइडलाइन स्ट्राइक यूट्यूब मार सकता है सिर्फ क्रिएटर नहीं, पहली बात। और मैं तेरे क्यों स्ट्राइक मारूंगा भाई, तेरी वीडियोस तो मेरे लिए कंटेंट है। मैं तो कॉर्बेट में वेकेशन पे था, मेरे को तो अभी मैंने डीएम देखा तो पता चला, कह रहा है कि भाई आपने स्ट्राइक क्यों मार दी, आप बोलते तो मैं हटा देता। मैंने कहा भाई मैंने कौन सी स्ट्राइक मारी मुझे पता। मैं तो कॉर्बेट से वापस आने के बाद सबसे पहले तेरे ऊपर वीडियो बनाने वाला था, जो तूने मेरे ऊपर सो कॉल्ड रिप्लाई वीडियो बनाई थी। मेरे लिए तो वो इतना अच्छा कंटेंट था, तो मैं उसको क्यों हटवाता जोगिंदर। यो जोगिंदर मेरे भाई, तो यार आप यूट्यूब के पास जाइए, उनसे पूछिए, मैं नहीं करता ऐसे वाले काम। ये ना मैंने आज तक कभी किसी को स्ट्राइक मारी है और ना ही कभी मारूंगा, होपफुली। बट नहीं, आपको हमने नहीं यूट्यूब ने स्ट्राइक दिया, उनसे बात। और यार इसके बाद थारा भाई जोगिंदर अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आके ट्रिगर्ड इंसान के ऊपर रिएक्ट किए, वो क्या बोले मैं आप सबको एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। तूने अपनी औकात दिखा दी ना मेरे को नहीं, तूने अपनी पब्लिक को अपनी औकात दिखाई है। ओ क्या बोल रहा था, अरे ओ कंगारू किसको बोल रहा था, सोच समझ के बोला कर, समझ गया तेरी औकात है क्या मेरे से बोलने की। तेरी औकात अपनी औकात में रहकर तेरे को बोल रहा हूँ, तू क्या स्टोरी लगा रहा है और तू क्या बताना चाहता है पब्लिक को मेरे बारे में, मेरे को पहली बात तो ये बता। आज बोलेगा वीडियो तो नहीं बनाना चाह रहा था पर वीडियो बनानी पड़ गई। तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है अमित भडाना के बारे में। तो यार जैसा कि अमित भडाना का जो न्यू सॉन्ग है फादर साहब, वो 25 जुलाई यानी कि आज 11 बजे आने वाला है। तो अमित भडाना इस गाने को कल रात यूट्यूब पे प्रीमियर कर दिए थे कि ये गाना आज 11 बजे आ जाएगा। तो हुआ क्या, कुछ लोग उसके ऊपर डिसलाइक करने लगे, तो उसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए अमित भडाना अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी पोस्ट करके लिखे, अभी वीडियो लाइव नहीं हुई, एक सेकेंड नहीं देखा उसका और कुछ ने डिसलाइक का भी दबा दिया, इसे क्या कहेंगे आप, ऊपर वाले इन्हें सद्बुद्धि दे, हेट के बीमारी है, गेट वेल सून, प्यार से ऊपर कुछ नहीं। और फिर अगला स्टोरी में लिखे, खैर कल तुम लोगों को प्राउड फील होगा और प्यार भी, वीडियो देखना और सबको शेयर करके दिखाना भी। तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है नवनीत भरद्वाज के बारे में। तो यार ये अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट किए हैं जिसमें ये बताएं कि इनकी पड़ोसियों ने इनको और इनकी फैमिली को काफी ज्यादा पीटा है, क्योंकि ये अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगाए थे जिसके कारण वो लोग इनको और इनकी फैमिली को काफी ज्यादा मारे हैं। तो मैं आप सबको इनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम नवनीत भारद्वाज है, मैं न्यू सागर नगर ग्वालियर का रहने वाला हूँ। 21 जुलाई 2021 को मेरे सामने वाले पड़ोसी द्वारा, जिनका नाम राजेश शर्मा है जो कि बॉस्टन कॉलेज में प्रोफेसर है, एवं उनके छोटे भाई योगेंद्र शर्मा तथा उनके परिवार के अन्य कुछ लोगों द्वारा मुझ पर तथा मेरे बड़े भाई मोहित भारद्वाज एवं मेरे माता पिता पर हमला किया गया है जानलेवा घर में घुसकर। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हमने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाए थे 106 की दृष्टि से, जो कि किसी भी लोगों में कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, क्योंकि उनके घर का कोई भी ऐसा हिस्सा, कोई भी ऐसा प्राइवेट प्लेस नहीं दिखता है जिससे उनको आपत्ति हो। फिर भी पता नहीं क्यों उन लोगों ने इस तरह का उपद्रव मचाया और हम पर जानलेवा हमला किया और हमारे साथ में मारपीट की गई है। ये पूरे हादसे में हमें भरपूर क्षति पहुंचाई गई है, जिसमें मेरे सीधे हाथ की उंगली लगभग खत्म सी हो गई है। मेरे बड़े भाई को 3-4 लोगों ने घेर कर खूब मारा है, जिसकी वजह से उसके पैरों पर अच्छी खासी चोट पहुंची है तथा उसके पैर पूरी तरीके से घायल है। अब मेरी समस्त पुलिस प्रशासन से, एसपी महोदय जी से तथा मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तथा इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जारी रखी जाए। तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है कैरी मिनाटी के बारे में। तो यार कैरी मिनाटी कल अपने सेकंड चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो किसी ने उनको सुपर चैट करके पूछा कि उनका न्यू सॉन्ग कब आ रहा है। तो उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कैरी मिनाटी क्या बोले मैं आप सबको दिखा देता हूँ। कैरी न्यू सॉन्ग कब आएगा यार, अभी तो वीडियो से छुट्टी नहीं मिल रही, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा गानों पे तो बैठने का, उस चीज का मुझे भी रिग्रेट है, बट क्या कर सकते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं अगला अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है सौरभ जोशी के बारे में। तो यार जैसा कि आप सबको पता ही होगा, सौरभ जोशी का एक न्यू सॉन्ग आने वाला है। तो काफी सारे लोग उनसे पूछ रहे थे उनका वो सॉन्ग कब आएगा, तो उसी के ऊपर वो अपने रिसेंट ब्लॉग में रिएक्ट किए। वो क्या बोले मैं आप सबको दिखा देता हूँ। डेली व्लॉग्स पे कमेंट आते हैं कि तुम्हारा गाना कब आएगा, गाना कब आएगा। शूटिंग को काफी टाइम हो गया, तो गाना नेक्स्ट मंथ ही आएगा, फर्स्ट या सेकंड वीक तक आ जाएगा, तो वेट करना। बाकी जहां तक मेरे को लग रहा है बहुत मस्त शूट हुआ है, बहुत मस्त उसके लिरिक्स हैं, तो आपको बहुत पसंद आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो थोड़ा वेट कर लो, उसके बिहाइंड द सीन वाला ब्लॉग भी डालना है मुझे, साथ में डाल दूंगा। तो यार फिलहाल आज के लिए बस इतना ही अपडेट था, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और यार अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना, ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।